भाई हमारे तो हो गए हैं, खाना पीना अच्छे से हो गया। नाउ दिस कार नीड सम खाना पीना, दिस कार नीड सम खाना पीना। ये कार को लगी भूख, सो नो माय कार गॉट ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स। भाई सारा बंद है, सारा जुहू बीच बंद है भाई। किस्मत में नहीं है आज हमारी, मार्केट ही बंद हो गई थी, ये भी बंद हो गया। अभी कहाँ जाने का है? मरीन ड्राइव, वो तो मिलेगा खुला, ऐसी बात नहीं। मरीन ड्राइव सीएसटी। सो भाई हम लोग फाइनली अब सी लिंक पे पहुंचने वाले हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, सी लिंक पे पहुंचने वाले ना। आने वाला सी लिंक भाई, बहुत सुंदर सी लिंक आने वाला है। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ मुंबई है सी लिंक। और इधर पानी है। सी लिंक में बता देता हूँ क्या है, बेसिकली दो जगहों को ज्वाइन करता है। कौन सी जगह है? बांद्रा टू वर्ली। बांद्रा टू वर्ली ज्वाइन करता है सी लिंक, और बहुत ज्यादा टाइम बचा देता है वो, और बहुत प्यारा है सी लिंक। सी के ऊपर से लिंक है जो सी लिंक, एज द नेम सजेस्ट, बहुत सुंदर होता है। और रात में तो एक नंबर लगता है, एक नंबर। व्हीलर्स अलाउड नहीं है सी लिंक पे। बसेस अलाउड नहीं, ट्रक अलाउड नहीं, बसेस नॉट अलाउड, रिक्शा अलाउड नहीं, रिक्शा नॉट अलाउड। सामने से कितना मस्त दिख रहा है सी लिंक। ओ भाई साहब कितना सुंदर दिख रहा है। इस साइड पूरा पानी पानी है ये, क्योंकि हम सी के ऊपर जाने वाले फाइनली। आई डोंट नो कि भाई टोल लगता है यहाँ पे। ओके नाइस 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 नाइस, पैसे पूरे वसूलते हैं मतलब। ओके हाउ मच इज द टोल? फाइनली भाई सी लिंक पे हैं। गाना नहीं बजाओ ना। ओ गाना बजा लो ना, तेरा वो होएगा ना फिर। कोई नहीं, बजा लो बजा लो। कोई नहीं कोई नहीं, आधे तो थोड़ा सा आगे चल के बजा लो। अरे तू चल यार, तू कर। भाई साहब कितना खूबसूरत सी लिंक। मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर। मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। भाई इतना सुंदर है भाई साहब। क्या वेलकम टू वर्ली, वेलकम टू वर्ली। ठीक है, अच्छा बनाया इन्होंने, शिप बनाई है पूरी। नाइस आईएनएस मुंबई। हाँ आईएनएस मुंबई ये बन रही है, आईएनएस मुंबई भाई बनाई हुई है इन्होंने। वाह चौंक पे बहुत सुंदर बनाई है भाई। अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम बांद्रा वर्ली सी फेस पे हैं, बट ये अंडरग्राउंड सीप्स का काम चल रहा है। अच्छा, इस वजह से यहाँ का व्यू नहीं दिख पा रहा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ये अलग एक चल रहा है। ओ जो ओवर मुंबई, पूरा मुंबई तुम घूम सकते हो। अच्छा, मतलब मैप में जो मुंबई का मैप है उस पर पूरे इस तरफ पानी के साथ साथ एक रोड चलेगी, कोस्टल रोड ऑल ओवर मुंबई। तो वो प्रोजेक्ट चालू है इनका, तो उसी वजह से देख लिखा है ना मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। हाँ हाँ हाँ, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब हमारे घर से वो आक्सा बीच था ना, हम वहां से यहाँ आ सकते हैं पानी के साथ साथ रोड पे। ओह टूरिज्म बढ़ा देगी इससे तो, बहुत जबरदस्त। पहले मुंबई में कम टूरिज्म नहीं है, पूरा सिग्नल ग्रीन दिखता है। हाँ ये वैसे उधर भी आ गया, मोहाली में भी आया, चंडीगढ़ में भी आ गया। उसमें लाल, लाल भी उसमें ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे एरो पूरा है ना। मानी की बेटी का हाँ हाँ याद है। लेडी मॉल कौन सा है भाई? ये हम आ गए हीरा पन्ना मॉल, हीरा पन्ना मॉल। क्या बात है, मैरीन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं।
मस्त एकदम वेदर हो गया है मेरे ख्याल से, हो गया चाहिए 2 डिग्री तो कम हो गया भाई। भाई सामने जो लाइटें चल रही है ना बॉक्स वाली, वो बहुत लंबी बिल्डिंग है। दिस इज एक ना मतलब ना शानो शौकत अलग चीज होती है, वो है ये है मानी जी का घर, एंटीलिया, द एंटीलिया भाई, द एंटीलिया। ना सुंदर है ना भाई साहब, क्या लग रहा है भाई ये लंबा वाला, ओह माय गॉड। रात में इतने सही से देखेगा नहीं शायद, क्योंकि ऊपर लाइटें बंद कर रखी है भाई, क्या कंजूसी कर रहा है भाई, चला देना भाई। उधर से मेन रोड जहाँ से जाते हैं हम मरीन ड्राइव, वो है बंद, तो हमें इस रोड पे डाल दिया एक कोई डाइवर्जेंस करके। ये देख रहे हो भाई रात कितने बज गए हैं, 11:45 12 हो गए भाई, रात के 12 बज गए हैं, अभी भी लोग हैं भाई सड़कों पे। ओ भाई साहब यहाँ देखो यश प्रकाश भाई, सब कुछ चल रहा है, गाड़ियाँ हैं, टैक्सियाँ हैं, ऑटो वाले हैं, सब है भाई साहब। देख रहे हो ट्रैफिक, देख रहे हो लाइन लगी हुई गाड़ियों की, वाह 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 वाह। एंड दिस इज द ओरिजिनल बॉम्बे ना भाई, ओरिजिनल बॉम्बे थोड़ा अलग है। एंड ओरिजिनल बॉम्बे मींस कि जहाँ बेसिकली बॉम्बे शुरू हुआ था, एंड धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते बड़ा हो गया, बट ये मेन बॉम्बे है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स मतलब सब कुछ टू द पॉइंट है, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। एंड इस वजह से जो यहाँ के घर वर हैं भाई साहब इतने महंगे, इतने महंगे, दुनिया के सबसे महंगे घरों में आते हैं भाई यहाँ पे। जगह का तो भाई पता ही है, ये देखो ट्रेन चल रही है साथ में, लोकल ट्रेन चल रही है यहाँ पे, लोग ट्रैवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन में भी, इस टाइम भी चल रही है, सही है भाई। सनरूफ से निकल के देखो भाई, यहाँ से यू टर्न मार के हैं, वहाँ से यू टर्न मार के एंड से, एंड दिस इज मरीन ड्राइव। फाइनली पहुँच गए हैं भाई, फाइनली हैं, जा जल्दी आ गए हम, रश पूरा है। लास्ट टाइम जब आया था हाँ तब रश नहीं था, रश नहीं था तब, खाली था भाई, तो 12 बजे लेट आए थे हम, 12 बजे तो लेट आए थे भाई साहब, 12 बजे भी इतना रश है। पर मरीन ड्राइव कितनी सुंदर लग रही भाई, कितनी सुंदर है, एंड सुंदर लग रहा है साइड पे, एकदम लगा रखी सबने गाड़ी, पेड़ पार्किंग ले रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की, बट ठीक है सड़क पे लगाई हुई है सबने साइड में। तो अंधेरा है, शांति और ठंडी ठंडी हवा है। अच्छा वाइट लाइटें की हुई है पोस्टल वालों ने भाई, पूरा ऐसे ऐसे जाता है यहाँ से, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी प्रॉपर क्योंकि शायद क्योंकि पानी ना दिख नहीं रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे ना पत्थर पड़े बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कैमरा जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा बट पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ से पानी आ रहा है, इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, सुन लो भाई सिर्फ। ओहो भाई यू कैन सी, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी थिंक, यहाँ पानी दिख रहा होगा अच्छे से, पत्थर वत्थर के ऊपर पानी बज रहा है, इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मज़े आ गए भाई, इतना सही लग रहा है ना यहाँ पे, इतनी सही आवाज़, इतनी सही हवा। और हम बैठे हैं यहाँ पे ना बिल्कुल चौंकड़ी मार के बैठे हैं, पूरा अंदर खाई टाइप है, थोड़ा ज़्यादा ही उतर सकते पर यहाँ से हम पीछे गाड़ियाँ बैठते हैं यहाँ पर, यहाँ से आके हम यहाँ बैठते हैं और मज़े ले रहे हैं इसके। भाई देखो ये पत्थर दिख रहे हैं हम, इतने सही, ये है जो टिपिकल मरीन ड्राइव को मरीन ड्राइव बनाते हैं, एक नंबर। अब टॉर्च मारी ना दिखा एकदम, बैठे भाई वाइट जूतों के साथ मस्त एकदम, बूस्ट पीने की तैयारी। बूस्ट मतलब क्या, अरे पहले पियो फिर बताओ, बूस्ट पियो फिर बताओ, ये भी ठीक है बूस्ट पी रहे हैं, बूस्ट चाय, अभी कितने हो गए, अच्छा ये ले लो, समझ गया ये वही बूस्ट है। सो भाई मैं ना यहाँ पे बैठा हुआ था एंड मैंने ना GoPro पकड़ा हुआ था अपना विद फ्लोटिंग ग्रिप,
पीछे से पुलिस वाले आए एंड दे थॉट कि ये जो गोप्रो है, मैंने आगे की तरफ ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा था रिस्क पीछे रख दिया मैंने, तो कोई उठा के ना ले जाए, मैंने आगे की तरफ रख दिया एंड इट सीम्स फ्रॉम फार अवे कि यार ये दारू की बोतल लगती है दूर से, सो दे गॉट मिस इन्फॉर्म्ड कि ये दारू की बोतल है। सो वैसे तो काफ़ी अच्छे थे, दे वर स्वीट इनफ कि उन्होंने बातचीत की क्या कैसे है, हमने बताया वी आर फ्रॉम चंडीगढ़ ऐसे घूमने फिरने आए हैं। सो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई मरीन ड्राइव का, बहुत 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 सुंदर है रात को। अब पता नहीं मेरी आवाज़ इसमें आ रही होगी नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे और मैंने टॉर्च लगा के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सो ठीक है ना। वैसे मैं दिन में आया हूँ, वो भी 6-7 साल पहले, उसकी फ़ोटोज़ भी डालूंगा मैं, दिन में अलग है पर रात में जो सीन है ना भाई, यहाँ के मुंबई वाले लोग हैं ना उनके लिए जगह सुकून भरी है, मतलब दूर के लिए तो बहुत मुश्किल है पर जो पास रहते हैं उनके लिए तो बहुत सही जगह है, ठीक है ना। आई लव दिस टाइप ऑफ माहौल, सही है, क्या कहते हैं शी जी, है ना, एक नंबर है ना, है ना, एक नंबर पाओ, एक नंबर, एक नंबर। ये भाई साहब काफ़ी देर से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं अंधेरे में, जो कि बहुत मुश्किल है लेना क्योंकि बहुत 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 कम लाइट है भाई, यहाँ से समुंदर मतलब आंखों से भी कम दिख रहा है, और तो छोड़ो ही। तो भाई अगर आपको ये नाइट लाइफ मुंबई की जो मैं बना रहा हूँ, मतलब मेरे लिए खुद के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज इकट्ठी हो जाएंगी, लास्ट टाइम कितनी मेमोरीज है फ़ोटो वाली, अभी की तो बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी हो जाएंगी। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस, लाइक शेयर कमेंट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और अपडेट्स तो रेगुलर आते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज की फॉर्म में भाई मैं डालता रहता हूँ, एंड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्यार बरसाते रहिए अपना, आगे चलते हैं और भी जगह एक्सप्लोर करने को रात को। अभी कितना टाइम हुआ है आशीष जी, कितना टाइम हुआ है? ओह माय गॉड, वो थोड़ा ना फोटो वोटो ले रहे हैं। 10:30 हो गया। 10:30 तो नहीं हो सकते भाई, हैं 12:30 सो 12:30 हो गए हैं एज पर हिज सेइंग, फोटो ले रहा काफ़ी देर से, ली नहीं जा रही क्योंकि भाई लाइट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा तो फोटो कहाँ से आ जाएगी कैमरे में, और इतने लेंस छोटे छोटे लेंस हैं मतलब मत पूछो क्या ही कहना। सो भाई अब हम निकल रहे हैं मैरीन ड्राइव से, ऑलमोस्ट 1:00 हो गए हैं, रात के 1 बज गए फिर भी चहल पहल है। लाइट मिलेगा क्या यहाँ पे हमको? मस्त एकदम लाइट मिलेगा, चलो लाइट मिल गया हमको, ओह थैंक यू कार हमको बताने के लिए, हम बैठ गए हैं। सो अभी हम भाई वापस जा रहे हैं, 1 बज गए एंड भाई चहल पहल बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा रश 1 बजे एक्सपेक्टेड नहीं है पर ठीक है, मुंबई जैसी जगह से होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 नज़ारे आ गए हमको, सही जैसे क्या शब्द नहीं है मेरे को एक्सप्लेन करने को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। भाई अगर मुंबई का ट्रिप बनाना चाहते हो मरीन ड्राइव तो ज़रूर आना, और रात को आना तो बहुत बहुत सही मज़े आ जाएंगे आपको, रात को तो लग ही नज़ारे हैं। अभी हम कहाँ जाने, गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हो, गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं। 1 बज गया क्या? हाँ लग रहा है। सो 1 बज गया अब हम गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं, इसके बाद एक आधी प्लेस और पड़ी है फिर हम घर जाएंगे एंड देन वी विल सी क्या करना है कल के लिए। अभी हम भाई जाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ एंड हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में देखने को मिल रही है, रश थोड़ा कम हो चुका है एंड थोड़ी खुली सड़कें तो हो गई है अब महसूस हो रही है, वैसे ट्रैफिक में तो महसूस होती नहीं भाई खुली सड़कें, तो यहाँ पर गाड़ी लुकाने देंगे। अच्छा स्टार्ट हाँ गेटवे ऑफ इंडिया का गाड़ी लुकाने का सिस्टम नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया कोई सिस्टम नहीं रुकाने का, नहीं ना भाई रात का टाइम ऐसा है कि वैसे ही नहीं, दिन में भी अलाउड नहीं है यहाँ पर गाड़ी रुकाना, यहाँ पे खड़ी करके आते हैं शायद उस साइड थोड़ी सी वो गलियों वलियों में खड़ी करके आओ फिर चल के आओ वैसा वाला। ये ताज है, पहले ताज नहीं है ना, फर्स्ट तो कोई और है, वो गेटवे ऑफ इंडिया, ये है गेटवे ऑफ इंडिया भाई, दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत ही मस्त लगा सकते हैं। हाँ जब इन लोगों ने लगाई है तो हम कौन से, हम कहाँ पीछे रह जाएंगे। ये ताज होटल भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है ताज होटल में, नंबर उतर
भाई साहब ये है गेटवे ऑफ इंडिया, हमारा सुंदर गेटवे ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे फेरीज हैं बहुत सारी। यहाँ पे व्यू आ रहा थोड़ा, फुल मून, कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। और बहुत सारी फेरीज हैं, बहुत सारी, दूर दूर तक तो जितनी देख पा रहे हो, ये बड़ी बड़ी फेरीज। एंड ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ से पूरा घूम के दिखाता हूँ। इसके सामने पहले ये देख लो भाई, इतना सुंदर लग रहा है। ये ताज होटल है, जहाँ पे अटैक हुआ था ताज होटल पे, ये वो वाला ताज होटल है। बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। एंड यहाँ से जाके, अंदर से जाके, यू कैन सी द गेटवे ऑफ इंडिया। नाइस नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने अब थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्क कर दी है यहीं पे, बहुत लोगों की गाड़ी खड़ी लाइन में, तो हमने कहा चलो ठीक है यार, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसा है। बहुत सही। तो भाई हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। बैकग्राउंड अच्छा, ये वाला बैकग्राउंड देख लो भाई, किसके बाद ये बहुत सही है। ये देख लो पीछे हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, इस साइड ताज होटल, एक नंबर लग रहा भाई, इतना मज़ा आ गया ना। कहाँ जा रहे हो, इतना सही लग रहा है ना, क्यों मत भाई, इतना जा रहा व्यू। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, शायद क्लियर आवाज़ ना आए, हर ब्लॉग में ही क्लियर आवाज़ ना आए, आ जाती है तो इस ब्लॉग में उम्मीद करता हूँ आ जाएगी। भाई अभी फ़ोन की बैटरी जस्ट 8% रह गई है, अब पता नहीं कब तक ये फ़ोन शूट कर पाएगा। इसके बाद दूसरे फ़ोन पे हमें स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कोई सामान नहीं है, कोई चार्जर वगैरह बैग में नहीं है मेरे हिसाब से मेरे पास। कोई नहीं, अब CST जा रहे हैं। CST कितना दूर है, 6 मिनट दूर है यहाँ से CST। एंड वहाँ पर जाके देखते हैं कितना सुंदर व्यू आता है, फोटोज़ में तो बहुत सुंदर आता है, रियल लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा, अभी देखते हैं जाके। अरे यार, पर इसमें लाइटें बहुत ज्यादा होती हैं, आज कम नहीं है भाई साहब। कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है। मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। भाई अभी हवा डलवा रहे हैं गाड़ी में, एंड इसको पहले स्लो कर लेता हूँ। सो हवा डलवा रहे हैं गाड़ी में, फ्री एयर, एंड इट्स 1:30। अभी हम घर वापस चल रहे हैं, एंड रास्ते में देखते कुछ खाएंगे पियेंगे भाई, क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी सी, एंड प्यास भी लग रही है, तो कुछ खाएंगे पियेंगे, देखते हैं 1:30 और क्या मिलता है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं खाने पीने को भी, यहाँ पे चलता है भाई शहर, ये रात को सोता नहीं है शहर। तो भाई अब अभी हम रुके थे पेट्रोल पम्प पे, बिना टायर पंचर हो गया गाड़ी का, अभी भी ऐसा है कि भाई आधा पौना घंटा दूर है शायद घर, और टायर पंचर 1:30 बजे, पर फिर भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। टायर पंचर हो गया पूरा, सो भाई अभी सीलिंग चढ़े भी नहीं थे। एंड अभी हम मेस्कॉन ट्रैम्प के यहाँ पे है, एंड पेट्रोल पंप पे हमने कहा भाई पंचर हो गया है तो फिर करा लें इसको ठीक, हमने करा लिया ठीक बराबर। बैक टू सीलिंग, आते जाते दोनों टाइम टोल है, और टोल 85 रुपीज़ का है। सो आते और जाते टाइम दोनों अलग अलग टोल कटेंगे, सही है।
बढ़िया, क्योंकि क्वालिटी बहुत सही है, बहुत सही। गाने चला के फुल मस्ती मौज में चल रहे हैं। मंजिलों की ना है कोई खबर,